तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हम अपने अमेजन ऐप में गिफ्ट कार्ड परचेज करके 100, 200, 500 रुपए का कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए अमेजन ऐप को ओपन करना है। तो चलिए, मैंने अमेजन ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको अमेजन पे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको अमेजन पे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अमेजन पे का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके अमेजन पे में अमेजन पे गिफ्ट कार्ड का ऑफर्स मिला है कि नहीं, इसे देखने के लिए यहाँ पे रिवार्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है सबसे नीचे में। तो आपको रिवार्ड्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर रिवार्ड्स के नीचे बिन स्क्रैच कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके अमेजन पे में जितने भी ऑफर्स होंगे सब यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको देख लेना है कि अमेजन पे गिफ्ट कार्ड का ऑफर्स कहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मुझे अमेजन पे गिफ्ट कार्ड का ऑफर्स मिला हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट फ्लैट 105 रुपये कैशबैक मिनिमम ऑर्डर 1000। यानी कि हम 1000 का गिफ्ट कार्ड परचेज करते हैं तो उसके साथ साथ 105 रुपये यहाँ पे कैशबैक मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजन पे गिफ्ट कार्ड यूजिंग अमेजन पे UPI, यानी कि अमेजन पे का जो UPI आपके फ़ोन में बना हुआ है उसी से यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना है। और इसका वैलिडिटी भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उस वैलिडिटी के अंदर आप गिफ्ट कार्ड आपको परचेज करना है, नहीं तो वो ऑफर्स एक्सपायर कर जाएगा। और यहीं पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए, हमें गिफ्ट कार्ड परचेज करना है तो हम बाय नाउ पर क्लिक कर देते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको अमाउंट शोइंग होगा। यहाँ पे 501000 पहले से होगा और अगर आप अदर अमाउंट यहाँ पे अदर अमाउंट का गिफ्ट कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। अब नीचे ऑप्शन है डिलीवरी। डिलीवरी आप ईमेल के थ्रू लेना चाहते हैं या फिर लिंक के थ्रू। तो हम ईमेल के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप ईमेल पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे कोई भी एक ईमेल को फिलअप करना है। तो चलिए, हम अपना एक ईमेल फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद नीचे फॉर्म में आपका नेम होगा और यहाँ पे योर मैसेज में आप गिफ्ट कार्ड के बारे में कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्वांटिटी में एक रहेगा। अगर आप 1000 रुपये का एक गिफ्ट कार्ड परचेज करना चाहते हैं तो एक, और अगर दो चाहते हैं तो वहाँ पर दो फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे एक चाहिए तो मैं क्वांटिटी में एक रहने देते हैं। और नीचे फिर है डिलीवरी डेट। तो आप ये किस डेट में वहाँ पे गिफ्ट कार्ड मंगाना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, वो भी डेट आप सिलेक्ट कर लेना चाहते कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी के अभी चाहिए तो हम नाउ पे क्लिक रहने देते हैं। और नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, बाय नाउ का और फिर ऐड टू कार्ड का। तो हमें अभी जस्ट बाय करना है तो हम बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और फिर अमेजन पे UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन सा एड्रेस यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। तो कोई भी एड्रेस आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे यूज दिस एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो गिफ्ट कार्ड का जितने रुपए का आपने यहाँ पे किया है वो 1000 रुपया या फिर आप जितने का किए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अमेजन पे UPI के थ्रू पेमेंट होने वाला है तो ये यहाँ पे रहेगा। और नीचे आपको फिर प्लेस योर ऑर्डर एंड पे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट के लिए आपसे UPI पिन फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको अपना UPI फिल कर देना है और टिक आउट कर देना है। तो आपका पेमेंट यहाँ पे प्रोसेसिंग होने लगेगा। मेरे अकाउंट से बैलेंस कट चुका है, डिडक्ट हो चुका है और यहाँ पे ऑर्डर इज ऑन होल्ड का ऑप्शन अभी आ गया है। यानी कि कुछ देर तक हमें वेट करना है इसे सक्सेसफुल होने तक। तो यहाँ कुछ ही सेकंड के बाद मेरा ऑर्डर वो गिफ्ट कार्ड वाला है जो सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल हो जाने के बाद अब हम चलते हैं अपने मोबाइल में और वहाँ पर ईमेल के थ्रू चेक करते हैं कि वो गिफ्ट कार्ड वाला मैसेज आया कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में अमेजन पे गिफ्ट कार्ड का ईमेल यानी कि मैसेज आ चुका है। चलिए, हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे ये 1000 रुपया अमाउंट का यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड कोड मिलता है, आपको इस गिफ्ट कार्ड कोड को कॉपी कर लेना है। तो चलिए, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अमेजन पे गिफ्ट कार्ड कोड को कॉपी करने के बाद आपको अमेजन ऐप को रिसेंट से हटा देना है और वापस फिर से अमेजन ऐप को ओपन करना है।
तो चलिए मैंने फिर से इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको फिर से अमेजन पे के डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो चलिए हम अमेजन पे पे क्लिक कर दिए हैं और अमेजन पे का डैशबोर्ड आ गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजन पे बैलेंस में 105 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि वहाँ पे ऑफर था कि 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड आप परचेज करते हैं तो आपको 105 रुपये का कैशबैक मिलेगा, जो मुझे कैशबैक मिल गया है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, चलिए हम ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 रुपया डिडक्ट हुआ है मेरे बैंक अकाउंट से और 105 रुपये अमेजन पे के अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया है। अब आपको बताने वाले हैं कि आप अब 1000 रुपया का जो गिफ्ट कार्ड है उसे आप क्या कीजिएगा, तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, जिससे मेरा टोटल बैलेंस हो जाएगा 1105 रुपये। तो गिफ्ट कार्ड वाला जो पैसा है उसे ऐड करने के लिए यहीं पे आपको अमेजन पे बैलेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको यहीं पे नीचे में ऑप्शन मिल जाता है ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस, तो चलिए हम ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और वो कोड मैंने कॉपी कर लिया था और यहाँ पर आपको वो कोड को पेस्ट कर देना है, तो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है ऐड टू योर बैलेंस, तो चलिए हम ऐड टू योर बैलेंस पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बैलेंस ऐड हो गया है और टोटल बैलेंस 1105 रुपये हो गया है। चलिए हम बैक हो जाते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल बैलेंस हो गया है 1105 रुपये। ट्रांजेक्शन में भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे इस तरह का ट्रांजेक्शन हो गया है। तो दोस्तों मेरे पास ऑफर था कि 1000 रुपये ऐड करते हैं तो आपको 105 रुपये का कैशबैक मिलेगा, तो आपके पास भी डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हो सकता है। जैसे कि आप 2000 रुपये का गिफ्ट कार्ड परचेस कीजिएगा तो आपको 200 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, या फिर 3000-5000 रुपये का गिफ्ट कार्ड परचेस कीजिएगा तो आपको 100, 200, 500 कुछ भी आपके कैशबैक मिल सकता है, कुछ भी अलग अलग ऑफर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अमेजन पे UPI से गिफ्ट कार्ड परचेज करके 100, 200, 500 रुपये का कैशबैक पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा या फिर अमेजन पे या फिर अमेजन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।